मेरा नाम डॉक्टर हसाम है और मैं बेसिक स्पेशलिटी मेरी जनरल सर्जरी है और स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हेपेटोबिलरी सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में ओवर 100 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं हम और हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, कंपेरेबल विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। 10% मॉर्टेलिटी एक्सेप्टेबल है तमाम सेंटर्स में पूरी दुनिया में और हमारी भी मॉर्टेलिटी तकरीबन 9% तक डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन पिछले 6 सालों से शुरू में हमें दिक्कत थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस प्रोसीजर को बहुत माहिराना तरीके से कर रहे हैं। जो मरीज़ हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार रहते हैं उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उनके पेट के ऊपर वाले हिस्से में कहीं दर्द के सिम्टम आने शुरू हों तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपने अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसके तजवीज़ करदा टेस्ट कराए जाएं। इसके अलावा अगर वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाए या पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाए या भूख लगना कम होना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं या तो उनको पता ही नहीं होता कि वो इस बीमारी का शिकार है या वो हकीमों और मुख्तलिफ किस्म के जो भी तबीब या इस तरह के लोग हमारे मुल्क में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बातों पे एतबार कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई है जबकि वो ठीक नहीं हुई भी होती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट से ही तस्दीक करें कि ये बीमारी मौजूद है या नहीं हुई। ये बीमारी सिर्फ अगर आपने इलाज कराया है जो कि 3 माह का और 6 माह का कोर्स होता है, अगर आपने कराया है तो फिर ख़त्म होती है और उसके बाद भी इसको 3 महीने बाद और 6 महीने बाद और साल के बाद इसको चेक करना होता है, इसको अंडर सर्वेलेंस रखना होता है। इसके अलावा जो छोटी आँत और लबलबे के कैंसर के लोग होते हैं और या आप कहें कि लिवर से आने वाली नालियों के कैंसर के शिकार लोग होते हैं उनको आमतौर पर यरकान होता है जो कि बहुत गहरा होता है और उसमें पेशाब का रंग गहरा जर्द हो जाता है और पखाने का रंग सफ़ेद आना शुरू हो जाता है और वज़न तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है और भूख की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो इस किस्म की सिम्टम्स जैसे ही किसी भी मरीज़ में हों वो फौरी तौर पे जिनको भी यरकान का एकदम से उनको यरकान होता है उनको हेपेटोबिलरी और या हेपेटोलॉजिस्ट के पास फौरी तौर पे राबता करना चाहिए। इन तमाम अमराज के सिलसिले में अगर आप मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे और आपका इलाज करेंगे।